हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो मैं भोले बाबा से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। और तो आज आप देख रहे हो ना कि मैं आज आपके साथ क्या चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि शायद ही आपने, अगर आपने पहले देखा होगा और आपने पहले अजमाया होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि हमने ये पौधा देखा हुआ है और ऐसा शैम्पू आपने यूज किया हुआ मतलब। तो मैं आज आपके साथ ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ, और इसका शैम्पू मैंने बना के ना सबसे पहले तो खुद ही यूज करा। तो ये पौधा देख रहे हो ना आप, ये पौधा किस चीज़ का है? तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये देखा हुआ है। इसको वैसे बिमल, कई जगह बिमल बोलते हैं, कई हमारे यहाँ ब्यूल बोलते हैं। तो इसके ना पशुओं को हरा चारा होता है। तो एक दिन मतलब बैठे बैठे थोड़ा सोचा कि ऐसे ही एक थोड़ी सी टहनी तोड़ी ना, और हाथ में थोड़ी सी मैंने मतलब इसको प्रेस करा, तो इससे ना बहुत ही अच्छा झाग निकला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा शैम्पू बना के देख ले। आपने हैरान होना ना आप, जब मैंने शैम्पू इसका बनाया तो मैं खुद भी बहुत इम्प्रेस हुई। तो इसका इतना अच्छा शैम्पू इसका बनता है। और नंबर दूसरी बात, जो ये आप देख रहे हो ना इसका छिलका, तो ये छिलका बहुत से काम आता है हमारे मतलब खेती बाड़ी में। और दूसरा, हमारे ना जब पानी में डालते हैं ना, तो इसका ऐसे मतलब इसके सेल बोलते हैं हमारे यहाँ, जिससे कि पशुओं को ना रस्सियाँ बनती है, और हमारे घास बांधने को रस्सियाँ बनती है, इसको सेल बोलते हैं। और जो इसके डंडे बचते हैं ना, तो इसको हम मतलब जब सर्दी होती है ना तो उसके काम भी आता है, मतलब आग जलाने के काम। और ना पहले के बुज़ुर्ग ना मतलब रोशनी के कोई साधन नहीं हुआ करते थे ना, तो इनको जला के ना मतलब अपने रोशनी का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना ना, तो मतलब इनको लेके एक दूसरी जगह जाते थे। और जो ये इसका रेसा निकलता है ना, इसके ही मतलब सेल बनाते थे, तो मतलब रस्सियाँ बनानी उन्होंने। तो ये देखो, मैं आज आपके साथ ना एक बहुत मस्त शैम्पू मैं बना रही हूँ। इसकी जो छाल है ना, इसको निकाल के और हमारे को किसी पत्थर के साथ ना इसको पीस के, और अगर चाहो आप ना तो छोटे छोटे इसके टुकड़े भी कर सकते हैं, और तब थोड़ा कुट के ना इसको हमारे को, तो ये देखो मैंने ना थोड़ा थोड़ा कुटा और इसको पानी में डाल दिया। और अगर आप चाहो ना तो ऐसे भी आप यहाँ पे देखोगे ना, अपना सिर धो के देखेंगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा। मगर जो मैंने अपना शैम्पू बनाया हुआ ना, आपको शायद पता होगा कि मैंने शैम्पू में जो रिट्ठा, सिक्का काई, एलवीरा, कड़ी पत्ता, और उसमें विमल भी ऐड किया हुआ, ब्यूल जो इसकी छाल। तो आप चाहो तो इसको इसके साथ भी धो सकते हो। तो देख रहे हो ना, बहुत ही एक अच्छा रेसा इसका बनके तैयार हो चुका है। सिंपल इससे भी धो सकते हैं अगर आपको। और मैंने तो जो इसमें डाला हुआ ना, तो ये देखो इसी में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने शैम्पू बनाया ना, तो ये शैम्पू मैंने जो विमल का जो पत्तियाँ थी ना इसमें डाल दी, और इसको उबाल के देख आप, जो भी मेरे पास था और चीज़ें ना उनको उबाल के, तो आप देख रहे हो कितना अच्छा झाग बन रहा है, और बहुत ही एक देखो। अब हमारे को इसको ना बार बार मतलब हिला के और हाथ से ना मतलब कूट कूट के
इसका हम अब शैम्पू बनाएंगे और इसको कपड़ छान करके बहुत ही अच्छा हमारा शैम्पू बनके अब तैयार हो रहा है। तो इससे एक तो बाल लंबे मजबूत होंगे, तो ये तो एक अपने घर की मतलब दवाइयों की जगह ना हर्बल शैम्पू बहुत ही एक अच्छा बिना केमिकल वाला आयुर्वेदिक हमारे पास शैम्पू बनके तैयार हो गया है, जो बालों की ना कोई भी सारी की सारी समस्या है ना वो उनको दूर करेगा। और फिर फ्री केमिकल है इसमें, केमिकल किसी भी किस्म का केमिकल नहीं पाया गया है, बिल्कुल ही अपने नेचुरल तरीके से जो अपने पास अवेलेबल है सारे का सारा सामान उसके साथ हमने इसको तैयार करा हुआ है। तो अब आप देख रहे हो ना इसको मतलब हाथ से थोड़ा और इसको ना मतलब गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर रख के फिर हमारे को मतलब लगभग कोई आधा घंटा इसको दो तीन उबाल हमने फिर और देने इसमें। तो अभी देख रहे हैं ना अभी भी कितना अच्छा इसमें झाग बन के तैयार हो गया है। तो हमारे मैं तो बोलती हूँ हमारे प्रकृति चारों तरफ बहुत ही एक क़यामत है, मगर बस थोड़ा ये है कि पहचानने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ अपने आसपास ही हमारे धरती माँ ने बहुत कुछ क़यामत हमारे को दी है। तो ये देख रहे हो ना बहुत ही अच्छा हाथ कितने मतलब साफ हो गए। तो इसको ना मैंने छान के उबाल के पहले उबाला और फिर इसका ना कपड़ छान करके, तो ये देख रहे हो आप अब मेरा शैम्पू बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और बिल्कुल ही इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल कुछ नहीं डाला हुआ है, बस सिर्फ इसमें एलवीरा और जो मैंने आपके साथ पिछली बार भी बताया था रिट्ठा एलवीरा सिक्का काई और मतलब कड़ी पत्ता और थोड़ी सी इसमें मेथी दाना भी डाला हुआ है। और अब बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल ही मैं तो बोलती हूँ ना कि धरती माँ ने हमारे को बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इसी के साथ ही